बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, दुनिया में चंद ममालिक ही ऐसे हैं जो इस वक्त फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं, बल्कि कामयाबी से ऑपरेट भी कर रहे हैं, जैसा कि चीन, अमेरिका और रूस। जबकि बाकी मिलिट्री रखने वाले ममालिक इस कोशिश में हैं कि वो भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट या खुद बना लें या किसी तौर पर हासिल कर लें। लेकिन दुनिया में अभी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट हासिल करने की दौड़ चल रही है, लेकिन अमेरिका, चीन और रूस जैसे ममालिक सिक्स जनरेशन फाइटर जेट को हासिल करने की दौड़ में निकल पड़े हैं। और आज की इस वीडियो में हम चीन के सिक्स जनरेशन फाइटर जेट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इसके दुश्मन इसके मुकाबले में क्या बना रहे हैं। सुना दिन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि फाइटर जेट्स को जनरेशन में क्यों डिवाइड किया जाता है और एक से दूसरी जनरेशन में क्या फर्क होता है। तो फाइटर जेट के जनरेशन में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि हर नई आने वाली जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जो वेपन इस्तेमाल किए जाते हैं और जो सेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो पिछली जनरेशन से बेहतरीन होते हैं। जनरेशन में सबसे बड़ा फर्क टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटीज का होता है। जैसा कि जो फर्स्ट जनरेशन त्यारे थे, जो 1940 की दहाई से 1950 की दहाई के दरमियान बनाए गए थे, वो तमाम त्यारे सब सोनिक थे, मतलब इनकी स्पीड मार्क 1 से या आवाज की रफ्तार से कम ही थी और इनका फोकस डॉग फाइटिंग और एयर टू एयर कॉम्बैट ही था, जैसा कि जर्मनी का M262 और अमेरिका का P-80। फिर सेकेंड जनरेशन के त्यारे बनना शुरू हुए और इनमें फर्क ये था कि ये साउंड बैरियर ब्रेक कर सकते थे, यानी कि आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेज परवाज कर सकते थे। मार्क 1 से ज्यादा स्पीड थी इनकी और इनमें रडार भी ऐड किए गए थे, जैसा कि सोवियत यूनियन का MiG-19 और अमेरिका का F-100 सुपर साइबर। फिर थर्ड जनरेशन के त्यारे आना शुरू हुए, जो कि 1960 की दहाई से 1970 की दहाई में बनाए गए। इन त्यारों की टेक्नोलॉजीज मजीद बेहतरीन हुई, इनका फोकस एजिलिटी और मल्टी रोल कैपेबिलिटीज पर था और इनमें क्लोज रेंज मिजाइल्स, इम्प्रूव्ड एवियोनिक्स और डेल्टा विंग्स शामिल थे, जैसा की फ्रांस का Mirage 3 और अमरीका का F-16। फिर नाज़रीन, फोर्थ जनरेशन त्यारे आए, जिनका फोकस लॉन्ग रेंज कॉम्बैट, रडार डोमिनेंस और मल्टी मिशन था। इनमें एडवांस रडार डाले गए, बियॉन्ड विजुअल मिसाइल डाले गए और इनकी फ्यूल कैपेसिटी बढ़ा दी गई, जैसा कि अमेरिका का F-15 और रूस का Su-20 वगैरह। नाज़रीन, इनमें से कुछ ममालिक ने 4.5 जनरेशन के त्यारे भी बनाए, जिनमें टेक्नोलॉजी मजीद इम्प्रूव की गई थी। फिर फिफ्थ जनरेशन त्यारे आए, जिनकी सबसे खास बात ये थी कि इनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी डाली गई थी और इनमें इंटरनल वेपन भी डाले गए थे, जदीद तरीन सेंसर्स डाले गए, एडवांस डाटा शेयरिंग फीचर्स डाले गए, जैसे कि अमेरिका का F-35, F-22 रैप्टर और चीन का J-20। नाज़रीन, अब तक आपको ये समझ आ चुकी होगी कि हर जनरेशन के फाइटर जेट में क्या क्या नई टेक्नोलॉजी और फीचर्स डाले गए थे। लेकिन नाज़रीन, अब जो ममालिक सिक्स जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहे हैं, तो नाज़रीन यहाँ सवाल ये बनता है कि सिक्स जनरेशन फाइटर जेट में कौन सी नई टेक्नोलॉजी डाली जाएगी और इनमें कौन सा नया कमाल होगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो सिक्स जनरेशन फाइटर जेट की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट से भी एडवांस्ड की जाएगी। फिर इसमें जो सबसे अहम चीज डाली जाएगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नाज़रीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पायलट के काम को इंतहाई आसान कर देगा और एरियल कॉम्बैट को एक नए लेवल पर लेकर चली जाएगी, जैसा की सिक्स जनरेशन फाइटर जेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए पायलट को सिचुएशनल अवेयरनेस से आगाह करेगा। ये पायलट को मैदानी जंग की रियल टाइम पिक्चर फ्राहम करेगा, जो थ्रेट्स के बारे में बताएगी और ये भी बताएगी कि मैदान जंग में आपका दोस्त एयरक्राफ्ट कौन सा है। ये बताएगी कि आगे आने वाली जमीनें खुदोखाल कैसे हैं और मौसम की सूरत हाल कैसी होगी। ये पायलट को बताएगी कि किस टारगेट को कैसे इंगेज करना है, किस टारगेट का कमजोर पॉइंट क्या है और मुश्किल सूरत हाल से निकलने का तरीका भी बताएगी। नाज़रीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिक मनूवरिंग भी करेगी, जिससे पायलट को जहाज को मनूवर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक टेक ऑफ, ऑटोमेटिक लैंडिंग, फ्लाइट कंट्रोल, फ्लाइंग फॉर्मेशंस और इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग भी अपने हाथ में ले लेगी और पायलट को कहेगी कि तुम बस टैक्टिक्स पर और स्ट्रेटजीज पर फोकस करो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। नाज़रीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुश्मन त्यारे या टारगेट का एक एक डाटा, उसके वेपन्स की तमाम मालूमात पायलट को देगी और साथ में ये प्लान भी रिकमेंड करेगी कि इस त्यारे को किस तरह काउंटर किया जा सकता है और साथ में ये प्रेडिक्ट भी कर सकेगी कि दुश्मन कौन सी मूव कर सकता है। तो नाज़रीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। फिर सिक्स जनरेशन फाइटर जेट में एक और नई चीज इस्तेमाल की जाएगी, वो है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, यानी कि लेजर वेपन, जो कि अपनी नोयत का एक खतरनाक तरीन हथियार है। दूसरे हथियारों में एक्यूरेसी का चक्कर होता है कि क्या ये मिसाइल एग्जैक्ट निशाने पर लगेगा, और लग भी गया लेकिन अनवांटेड तबाही मचाएगा या नहीं। लेकिन नाज़रीन, लेजर वेपन की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी
जितने टारगेट को तबाह करना हो उतना ही करेगा। कोलैटरल डैमेज कम से कम होगा और ये दूसरे वेपन की निस्बत काफी खामोशी से काम करेगा और इसकी रेंज भी दूसरे वेपन्स की निस्बत बहुत ज्यादा होगी और ये सस्ता भी पड़ेगा और दूसरा पेलोड उठाने का सरदर्द भी नहीं रहेगा। तो नाज़रीन ये भी एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी होगी जो कि 6th जनरेशन फाइटर जेट में डाली जाएगी। नाज़रीन 6th जनरेशन फाइटर जेट में एडवांस्ड नेटवर्किंग भी होगी, यानी ये दूसरे एयरक्राफ्ट्स, ग्राउंड फोर्सेस और सैटेलाइट के साथ मिलकर सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस हासिल कर पाएगा और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन कर पाएगा। 6th जनरेशन फाइटर जेट में नई किस्म के इंजन भी डाले जाएंगे जिनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन होगी और कुछ ममालिक 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट भी रखते हैं जिनमें फाइटर जेट की स्पीड हाइपरसोनिक होगी। और याद रहे कि हाइपरसोनिक स्पीड मार्क 5 से शुरू होती है। तो नाज़रीन ये होंगी 6th जनरेशन फाइटर जेट में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ। अब बात करते हैं चीन की। नाज़रीन चीन ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 की कामयाब डेवलपिंग के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट पर काम शुरू कर दिया था। चेंगडू एयर स्पेस कारपोरेशन के चीफ डिजाइनर डॉक्टर वांग हैफिंग ने 2019 में अनाउंस किया था कि चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम पर रिसर्च शुरू कर दी है और उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि चीन 2035 तक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना लेगा। फिर 31 जनवरी 2023 को चीन की एविएशन इंडस्ट्री कारपोरेशन एक CGI कॉन्सेप्ट आर्ट वीडियो शेयर करती है जिसमें चीन का 6th जनरेशन फाइटर जेट दिखाया गया था। ये जेट दो इंजन पर मुश्तमिल है और इसका डिजाइन लो रिफ्लेक्टेड डायमंड शेप्ड विंग्स की तरह है, जैसा कि अमेरिका का YF-23 ब्लैक विडो। नाज़रीन चीन का ये जेट ब्लेंडेड विंग्स, बॉडी और टेल के बगैर है। इसके कुछ अरसा बाद चीन का यही इदारा एक और वीडियो शेयर करता है जिसमें एक टेल लेस स्टेल्थ ऑप्टिमाइज्ड एयर फ्रेम का चीन के FL-3 हाई स्पीड विंग टनल में टेस्ट होते देखा जा सकता है। नाज़रीन विंग टनल टेस्ट फाइटर जेट की डेवलपमेंट का एक सबसे अहम पार्ट होता है। ये समझ लीजिए कि फाइटर जेट की डेवलपमेंट में इसका किरदार बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किसी फाइटर जेट प्रोग्राम की इनिशियल कॉन्सेप्ट को हकीकत में बदलने में विंग टनल क्रूशियल रोल अदा करता है। ये एरोडायनामिक लेबोरेटरी होती है जिसमें इंजीनियर्स अपने कॉन्सेप्ट का स्केल मॉडल बनाकर इसे हवा के बहाव में से गुजारते हैं और ये देखते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट कितना कारगर साबित हुआ है। इसमें इसकी लिफ्ट, ड्रैग, स्टेबिलिटी, डिजाइन हर चीज पर की जाती है। और चीन का FL-3 एक हाइपरसोनिक विंग टनल है, यानी इसमें हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी टेस्ट की जा सकती हैं और ये विंग टनल 16 मार्क तक का हाइपरसोनिक फ्लो दे सकता है। नाज़रीन चीन के AVIC ने जो वीडियो शेयर की है उसमें देखा जा सकता है कि ये एक टेल लेस एरोडायनामिक मॉडल है जो कि 6th जनरेशन फाइटर जेट डिजाइन की तरह ही दिखता है। और इस पोस्ट से ये चीज कन्फर्म है कि चीन का 6th जनरेशन फाइटर जेट डिजाइन एक तो टेल लेस होगा, यानी दुम के बगैर होगा, और दूसरा हाइपरसोनिक स्पीड का हामिल होगा। इससे पहले भी चीन की मुख्तलिफ कंपनीज 6th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में पोस्ट कर चुकी हैं। इसके अलावा जुहाई एयर शो में भी इस 6th जनरेशन टेल लेस जेट डिजाइन का कॉन्सेप्ट दिखाया गया था। चीन का 6th जनरेशन प्रोग्राम इनिशियल स्टेज पर है। इसका फाइनल डिजाइन क्या होगा इसके बारे में अभी तक रिवील नहीं किया गया। तमाम इस फाइटर जेट के डिजाइन के लिए चीन ने मुख्तलिफ कंपनियों को काफी प्रपोजल दिए हैं। नाज़रीन दूसरी तरफ चीन के 6th जनरेशन फाइटर जेट जिसका अभी कोई वजूद नहीं है, इस पर इल्जाम भी लगने शुरू हो गए कि चीन ने ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी चुराई है। इस चीज का हवाला ये दिया जाता है कि अमेरिका जिस 6th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहा है वो भी इसी तरह का डिजाइन है, वो भी टेल लेस है। नाज़रीन मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी बात है कि चीन अगर आपकी वो टेक्नोलॉजी चुराई है जो कि अंडर डेवलपमेंट है और इंतहाई खुफिया भी है, तो नाज़रीन अमेरिका के डूब मरने का मकाम है कि चीन अमेरिका की टेक्नोलॉजी चुरा कैसे रहा है। तो नाज़रीन यहाँ पर अमेरिका की सिक्योरिटी पर एक सवाल भी उठता है कि क्या उसकी सिक्योरिटी इतनी कमजोर है कि चीन आसानी से उसकी टेक्नोलॉजी को चुरा कर ले गया। नाज़रीन इसमें कोई शक नहीं कि चीन ऐसा कर सकता है और करता भी आया है, लेकिन ये अमेरिका की कमजोरी है और चीन की ताकत। नाज़रीन अमेरिका के 6th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में बता दें कि 2014 में अमेरिकी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने 2014 में इस किस्म के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया था जिसे नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस कहते हैं। ये प्रोग्राम एक तैयारी पर मुश्तमिल नहीं है बल्कि एक सिस्टम की पूरी फैमिली है जिसमें 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, अनमैन ड्रोन्स, सेंसर्स और वेपन्स शामिल हैं। अमेरिका ने 2023 में इस प्रोग्राम के लिए $1.6 का इनिशियल बजट एलोकेट कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि इसका एस्टिमेटेड बजट 2027 तक $11 बिलियन तक पहुंच जाएगा। अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट F-22 को रिप्लेस करेगा। नाज़रीन अमेरिका ऐसे 200 एयरक्राफ्ट बनाने का इरादा रखता है और अनकरीब इस एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट लॉकहेड, नॉर्थरोप या बोइंग में से किसी एक या इन तीनों को देने वाला है। नाज़रीन अगर बात की जाए चीन के 6th जनरेशन फाइटर जेट के मुमकिन मेन फीचर्स की, तो ये सुपर स्टेल तो होगा ही जो कि इसकी टेल लेस से जाहिर होता है।
इसकी वजह से रडार सिग्नेचर रिड्यूस होता है और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं। वीडियो से जाहिर होता है कि चीन इसे हाइपरसोनिक बनाना चाहता है और ये दो इंजन्स पर मुश्तमिल होगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो इस हवाले से चीन ने क्या काम किया है तो बता दें कि चीन ने AI में रिसेंटली एक ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस हासिल की थी। चीन अपने आर्म ड्रोन्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इक्विप्ड कर रहा है जिससे चीन के ये ड्रोन ऑटोमेटिक फ्लाइट ले सकेंगे, खुद ही टारगेट को ढूंढ सकेंगे, पीछे बैठे ऑपरेटर को टारगेट की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सिचुएशनल अवेयरनेस और यहाँ तक कि चीन के ये ड्रोन AI की बदौलत इंटेलिजेंस मेंटेनेंस भी कर सकेंगे। तो अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए AI का इस्तेमाल चीन के लिए मसला नहीं रहा। और अगर लेजर वेपन की बात की जाए तो चीन इस टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है और 2023 में चीन के साइंसदानों ने क्लेम किया था कि उन्होंने लेजर वेपन को लामहदूद तौर पर इस्तेमाल करने का तरीका भी ढूंढ लिया है। तो नाज़रीन ये भी एक ब्रेक थ्रू डेवलपमेंट है। यही नहीं, ये भी खबर है कि चीन अपने J-20 को भी लेजर वेपन से इक्विप्ड करेगा। तो नाज़रीन 6th जनरेशन फाइटर जेट में तो ये टेक्नोलॉजी चाइना लाजमी इस्तेमाल करेगा। तो नाज़रीन अगर बात की जाए कि कौन कौन से ममालिक 6th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहे हैं या इसका कॉन्सेप्ट रखते हैं तो इसमें चीन और अमेरिका के अलावा रूस, जापान, UK और यूरोप शामिल हैं। रूस ने पाक DP के नाम से एक प्रोग्राम शुरू कर रखा है जिसे रूस की मिक्योन कंपनी बना रही है। ये रशिया का लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर प्रोग्राम है और ये रूस के MiG-31 को रिप्लेस करेगा और 2030 की दहाई में रशियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। याद रहे कि रूस पाक DA के नाम से भी एक 6th जनरेशन प्रोग्राम पर काम कर रहा है जो कि बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। नाज़रीन जापान 6th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहा है जिसे F-3 भी कहते हैं। ये 2035 में सर्विस में शामिल होगा। नाज़रीन यूरोप जिस 6th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहा है वो फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम है और इस प्रोग्राम में जर्मनी, स्पेन और फ्रांस भी शामिल हैं। और UK टेम्पेस्ट के नाम से 6th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहा है जो कि 2035 तक बन जाएगा। तो नाज़रीन 2030 की दहाई 6th जनरेशन फाइटर जेट की दहाई होने वाली है। तो नाज़रीन अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगेबान।